नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोई तालाब नहीं है, प्रतापपुर के इंटर कॉलेज का परिसर है जो महज एक दिन की बारिश में तालाब में तब्दील हो चुका है। अभी 1 जुलाई से नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है, तो ऐसे में एक सवाल ये बना हुआ है कि बच्चे इस पानी से होकर कक्षाओं तक कैसे पहुंचेंगे। जो कॉलेज का स्टाफ है इसको लेकर उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुका है, उनके संज्ञान में इस मामले को ला चुका है, उसके बाद भी इस पानी की निकासी के लिए अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। ये जो समस्या है काफी समय पुरानी हो चुकी है। इस पानी के भरे होने के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पानी में जो विषैले कीड़े मकोड़े और सांपों का डर हो सकता है, तो ऐसे में ये सवाल है कि बच्चे इस पानी से होकर अपनी कक्षाओं तक कैसे पहुंचेंगे। हाँ सर, अतिवृष्टि के कारण जो विद्यालय हैं हमारे जितने भी, लगभग जल भराव तो हो जाता है लेकिन आमतौर पे उनकी निकासी हो जाती है। जहाँ तक राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापपुर की बात है तो प्रतापपुर के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव मिट्टी भरान के लिए भेज रखा था। जून माह से पूर्व हमारा चला गया था ये प्रस्ताव, और वो जिला परियोजना कार्यालय ऊधम सिंह नगर को भेजा जा चुका है।